मैं कहूंगा ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है ना, मैं उनको सच में बधाई दूंगा, क्योंकि राम मंदिर तो न्यायालय के निर्णय के बाद हो रहा है। सारी दुनिया को मालूम है कि न्यायालय में भी रुकावट डालने का काम कौन करता था। 19 में तो यहां तक कह दिया था कि जजमेंट अभी मत लाओ वरना बीजेपी को फायदा होगा। न्यायालय में कहां गया था, कांग्रेस की तरफ से कहां गया था। चलिए ये सब तो छोड़े, अब न्यायालय इसके बावजूद भी ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग उनके घर गए और जाकर के सम्मानपूर्वक निमंत्रण दिया कि जो हो गया होगा भूल जाओ, आइए आप भी आइए। जैसे वो उनके यहां गए, वैसे ही जो दो दो तीन तीन पीढ़ी से अदालत में लड़ाई लड़ रहे थे अंसारी परिवार, उनके बेटे इकबाल अंसारी जो भी अदालत में राम जन्मभूमि के खिलाफ केस लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी निमंत्रण दिया कि भाई चलिए अब तो न्याय का निर्णय हो चुका है, न्यायालय का आप आइए, आप देखिए साहब निर्णय देश करे। इकबाल अंसारी जो कि जीवन भर उनका परिवार बाबरी मस्जिद के लिए अदालतों में लड़ता रहा, राम जन्मभूमि के विरुद्ध में लड़ता रहा, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के बैठे और इन लोगों ने बहिष्कार किया। कब जाकर के चिंता होती है कि क्या सोच है। इतना ही नहीं, मुझे बाद में अभी पता चला कि श्रीमान इकबाल अंसारी वो कोई अमीर व्यक्ति नहीं, सामान्य परिवार के व्यक्ति है। उन्होंने भगवान राम मंदिर का जो एक मॉड्यूल था लकड़े का, वो कहीं से खरीद के लाए, और उनका जो पीएसओ था वो हिंदू है, उसको उन्होंने गिफ्ट किया। इकबाल अंसारी ने गिफ्ट किया उनको। इसका मतलब ये हुआ कि वो उनको लगता था कि ये मेरा हक है इसलिए मैं लड़ता हूं, लेकिन न्यायालय ने एक बार निर्णय किया, उसको उन्होंने सिर आंखें पर चढ़ाया, तो इकबाल अंसारी को मैं सेक्युलरिज्म सही है कि इनका सेक्युलरिज्म सही है,